एग्जाम का सीजन चल रहा है, कुछ बच्चे तो रेडी हैं बिल्कुल एग्जाम के लिए। वो बच्चे रेडी हैं जो साल भर या पूरे सेमेस्टर जिन्होंने पढ़ाई की है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, लेकिन कुछ बच्चे टेंस हैं कि कैसे वो सी प्रोग्रामिंग का पेपर, जो कि बहुत टफ माना जाता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, कैसे उन्हें क्लियर करना है, क्या आएगा सी प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम ज़्यादा आएंगे, थ्योरी ज़्यादा आएगी, प्रोग्राम नहीं बनता है तो क्या करना है, कैसे हमें सी प्रोग्रामिंग पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सी प्रोग्रामिंग में हाई स्कोर करना चाहते हैं और जो सी प्रोग्रामिंग के पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ीनत हसन एकेडमी। वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है ताकि आप फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में अपना सी प्रोग्रामिंग का थ्योरी पेपर क्लियर कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग किस तरीके से हमें पेपर तैयार करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है कि हम हाई स्कोर कर सकें। कि मैडम इसमें थ्योरी ज्यादा आएगी या प्रैक्टिकल ज्यादा आएगा, अगर हमें प्रैक्टिकल नहीं बनता है यानी प्रोग्राम नहीं बनता है तो हमें क्या करना चाहिए, जितना बन रहा है उतना अटेम्प्ट करना चाहिए, उतना लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, थ्योरी अगर हमें आती है तो क्या हम थ्योरेटिकली उसे एक्सप्लेन करें या एग्जाम्पल भी दें प्रोग्राम का। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है, जिसको लेकर अक्सर ऑफलाइन स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि मैडम हम सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम ज्यादा आते हैं या फिर थ्योरी ज्यादा आता है। देखिए यहाँ पर आपको एक मैं सजेशन देना चाहूंगी, चाहे कोई सा भी पेपर हो, सी प्रोग्रामिंग के अलावा भी कोई सा भी पेपर हो, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है या फिर आपको उस पेपर को क्लियर करना है तो प्रिपरेशन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए कौन सा पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। यदि आपकी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर रही है तो आपको बहुत ही गहराई में पढ़ने की आवश्यकता है, और यदि आपकी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कवर कर रही है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन प्लस प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो फिर आपको एक स्टडी जो आप गो थ्रू होते हैं उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझना यूनिवर्सिटी का बहुत जरूरी है। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, जो स्टूडेंट के दिमाग में घूमता रहता है सी प्रोग्रामिंग पेपर के दौरान कि मैडम प्रोग्राम ज्यादा आएंगे या थ्योरी ज्यादा आएगी। देखिए 90-95% जो यूनिवर्सिटीज होती हैं सी प्रोग्रामिंग, चूंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में डाला जाता है, बेसिक है सी प्रोग्रामिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए या डिप्लोमा के लिए, तो सी प्रोग्रामिंग का पेपर ऐसा नहीं है कि 80% आपको प्रोग्राम मिलेंगे और 20% आपको थ्योरी मिलेगी। डेफिनेटली आपको, क्योंकि बच्चे पहले ही घबराए हुए रहते हैं, आपको मिलेगा 80-85% थ्योरी पेपर और फिर इसके अलावा 20-15% आपको क्या मिलेगा, प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो 10 क्वेश्चन में से हो सकता है आपको 7 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी हो और फिर बाकी के 3 जो है वो प्रोग्राम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 8 क्वेश्चन थ्योरी हो बाकी के 2 जो है आपके प्रोग्राम हो। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग के कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमने वीडियो बना के रखा है, आई बटन पर आपको लिंक आ रही है, जरूर से उसको देखिएगा ताकि आपको मदद मिल सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हम प्रोग्राम अटेम्प्ट करते हैं और हमें प्रोग्राम नहीं आता, उसका लॉजिक नहीं आता है, तो क्या हमें प्रोग्राम बनाना चाहिए? देखिए इसमें 2 केस हैं, आपको चॉइस मिलती है आपके पेपर में। यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है थ्योरी में जो आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता है कि ये मैं लिखूंगा तो बिल्कुल ही गलत लिखूंगा, लेकिन ये जो प्रोग्राम है इसमें मुझे पता है इनपुट क्या लेना है,
भले मुझे इसकी प्रोसेसिंग नहीं पता, लेकिन मुझे प्रिंट एफ आता है, स्कैनएफ आता है, इसमें इनपुट क्या लेना है, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी क्या है। तो मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि फिर आप प्रोग्राम को अटेंड करें, क्योंकि गलत लिखने से अच्छा है थोड़ा सा सही लिखा जाए, ठीक है। और जितना आपको प्रोग्राम आ रहा है आप उतना उसके लिए जो भी लॉजिक आ रहा है आपको, जैसा भी आप सोच पा रहे हैं, आपने अगर इनपुट स्टेटमेंट सही लिखी, आउटपुट स्टेटमेंट सही लिखी है, तो आपका जो वैल्यूअर है, हम क्योंकि कॉपी चेक करते हैं, हमें पता है कि हम एकदम पूरे नंबर नहीं काटते। अगर आपने थोड़ा सा भी अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है, तो हम उस पर मार्क्स आपको जरूर देते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व हुए, एक तो सॉल्व हुआ कि आपको थ्योरी आता है या प्रोग्राम आता है। तो मैंने आपको बताया कि 80% आपका थ्योरी रहेगा और 20% आपका क्या रहेगा, प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम भी आपके वो रहते हैं जो जनरली हिट प्रोग्राम कह सकते हैं हम, जैसे फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, है ना, और पैलिंड्रोम, ये जो रिवर्स नंबर, ये जो हिट प्रोग्राम रहते हैं जो आपने प्रैक्टिकल में किए होंगे अपने, ठीक है, वो जनरली प्रोग्राम आते हैं, या फिर स्ट्रक्चर पे आ जाएगा या फिर फाइल पे आ जाएगा, है ना। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपको यदि प्रोग्राम नहीं आता है और अगर आपको किसी न किसी वजह से उसे अटेंड करना है, तो आप उसे किस तरीके से अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन का, कि यदि हमें प्रोग्राम, यदि हमें थ्योरी क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको आया कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, या इफ एल्स स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, या स्विच केस को एक्सप्लेन कीजिए, किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो क्या सिर्फ आप उसका सिंटेक्स लिखेंगे, क्या सिर्फ आप उसकी थ्योरी लिखेंगे? नहीं, आपको उसके लिए थ्योरी, सिंटेक्स और एक आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम आपको बनाना होगा, ठीक है। प्रोग्राम बनाते समय आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाए, तो प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको कमेंट करके राइट हैंड साइड में अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे आप इनपुट ले रहे हैं तो लिखो इनपुट, यूजर इनपुट, है ना, इनपुट रेडियस, या इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करो आप अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जैसे हम कमेंट डालते हैं सी में, तो हर लाइन को क्या करें आप, एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो यदि आपको कोई स्ट्रक्चर आता है तो उसमें आपको प्रोग्राम लिखना है या नहीं लिखना है, तो हमारा सजेशन है आपके लिए कि डेफिनेटली आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम उसमें देना ही देना है, ठीक है। ये तो बात हो गई उन क्वेश्चंस की जो हमारे दिमाग में रहते हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं सी प्रोग्रामिंग पेपर के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग का पेपर आपको कैसे तैयार करना है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी पेपर को तैयार करने का सबसे नंबर वन फॉर्मूला आपका ये है कि आप उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि वो कैसा आ रहा है। यदि आपके, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर रहा है आपका थ्योरी पेपर, तो आपको बहुत ही गहराई में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तभी आप एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, या आपको मैच द कॉलम आता है तो आप कर पाएंगे, राइट। और यदि आपके पेपर में एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता है, तो फिर आप एक जो स्टडी नॉर्मल हम करते हैं, वो स्टडी से आप भी आपका हाई स्कोर आप अचीव कर सकते हैं, राइट। अब जैसा कि हमने पहले पेपर देख लिया और हमें पता चल गया इस तरीके के पैटर्न में हमारा पेपर आने वाला है, ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं आप, तो मेरा सजेशन है आपको कि कम से कम तीन बार, एग्जाम आने के पहले तीन बार तक आपका जो स्टडी है, जो पूरी बुक है, जो आपका पूरा सिलेबस है, वो कवर हो जाना चाहिए, तभी आपको वो मेमोराइज ठीक से हो पाएगा, ठीक है। और प्रोग्रामिंग के पेपर में अगर आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है, कोई एरर मैसेज कब आता है, तो आपको याद रहेगा कि इसके बाद सेमी कॉलन लगता है, फॉर लूप में सेमी कॉलन कहाँ लगता है, व्हाइल में कहाँ लगता है, तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप वहाँ पे मिस्टेक करते हैं तो वैल्यूअर को ये समझ में आ जाता है कि आपने जो है प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, आप कमज़ोर हैं इस सब्जेक्ट में, तो उस हिसाब से भी वो आपकी मार्किंग शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप एग्जाम हॉल में जाते हैं उसके पहले आपको तीन बार रिवीजन ले लेना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट हो या थ्योरी सब्जेक्ट हो, और उसके पैटर्न को समझ लेना है, और ये भी डिसाइड कर लेना है कि किस पार्ट को हमें कितना समय देना है,
टाइम का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। तो यदि आपके मन में कंफ्यूजन है कि हमारा क्वेश्चन छूट सकता है अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि उस क्वेश्चन को आप वहीं ड्रॉप कीजिए और अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करना आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 8 में से 8 पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, तो वैल्यूअर जनरली पूरे मार्क्स देना प्रेफर नहीं करता। बहुत ही ज्यादा किसी पे दिल आ गया, किसी की बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही उसने फॉर्मेटिंग करके लिखा है और सही लिखा है, तो ही मतलब 10% या 5% ही चांसेस रहते हैं आपको 8 में से 8 मिलने के, या वो तो आपके नंबर कटना ही कटना है, पूरे 8 तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, प्रोग्राम आता है और प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कमेंट डाला है, तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन थ्योरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही कम संभावना होती है कि आपको 8 में से 8 पूरे मार्क्स मिले या 5 में से 5 पूरे मार्क्स मिले। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप पेपर पूरा करने की कोशिश करें। बीच में किसी क्वेश्चन के लिए आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जैसे आपने लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, तीनों लूप के एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है, हो सकता है मेरे क्वेश्चन छूट जाए, तो फिर आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करें और क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश करें। तो अब आप एग्जाम हॉल में गए और आपके हाथ में पेपर आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पेपर को अच्छे से पढ़ना है, शुरुआत से क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, शुरुआत से उसमें क्या लिखा है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के हैं, कितना आपको समय मिला है, ये सब आपको पता भी है कि पहले से ऐसे ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे पढ़ना है, अपना माइंड सेट कर लेना है कि हाँ भाई मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये इतने इतने मार्क्स के हैं, ताकि आपको पेपर ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये पहले से ही आइडिया हो जाए कि मुझे उसमें कितना लिखना है। ठीक है, तो पेपर आप पहले गो थ्रू हो जाइए। और अब बात आती है कि हम सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करें या हमें जो अच्छा आता है वो हमें पहले लिखना है। तो डेफिनेटली आपको जो अच्छा आता है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालिए। क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो आप बीच में ही क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए कि आंसर नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1, इस तरीके से क्वेश्चन मत लिखिए। आपको लगता है कि क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है तो क्वेश्चन स्किप कीजिए, आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 इस तरीके से 2A जो भी क्वेश्चन है उसका आप नंबर डालिए, बीच में उसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेटिंग होती है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वैल्यूअर के पास जब आपका जो बंडल जाता है पूरे स्टूडेंट का कॉपी का, तो जिसकी फॉर्मेटिंग जिसमें वो गो थ्रू अच्छे से हो सकता है, जिसमें उसको अच्छे से पता चलता है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसको ईजी रहता है चेक करने में, नंबर देने में, तो उसकी कॉपी वो ज़्यादा अच्छे से चेक करता है, उसमें ज़्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग अपने राइटिंग की बहुत अच्छे से करिए, क्वेश्चन नंबर साफ लिखिए, और ऐसा नहीं कह रहे कि आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्वेश्चन वन और आपकी जो बीच मतलब नीचे की दो लाइन बची है तो आपने आंसर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, नहीं, आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि क्या है कि जब आप बंडल में आपकी कॉपी जाती है, बहुत सारी कॉपी जाती है, तो हो सकता है कि पेज पलटने में वैल्यूअर को आपका आंसर 2 वाला आंसर नहीं दिखे और वो क्वेश्चन 1 का आंसर ही आंसर 2 को मान ले, तो ऐसी कुछ गलतियां आप ना करें जिससे वैल्यूअर को कन्फ्यूजन हो और वो आपके मार्क्स जो है वो दो क्वेश्चन के मार्क्स को एक ही क्वेश्चन में दे दे, समझ रहे हैं ना। तो आपको बिल्कुल क्लियर बताना है कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। अब आपको कैसे बताना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। मेरा तो सजेशन ये है कि आप बीच में लिखिए और उस पर अंडरलाइन कीजिए आंसर नंबर 1। दूसरा सजेशन ये है कि कोई क्वेश्चन यदि नीचे खत्म हो रहा है तो आप अगले पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जो बहुत ही अच्छे से आपको क्वेश्चंस आते हैं, वो आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एक बार वैल्यूअर के सामने आपका इम्प्रेशन पड़ गया कि इस बच्चे ने पढ़ाई की है और अच्छा लिखा है, सही लिखा है, तो वो लास्ट तक उसी वेवलेंथ में आपको मार्क्स देते चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटिंग का कितना बड़ा रोल है आपके थ्योरी पेपर में, राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको डेफिनेटली
आपने सही लिखा है तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपने उसको लिखते समय भी सफाई का ध्यान नहीं रखा है। यहाँ पे दो बातें हैं, राइटिंग अच्छी नहीं हुई है तो आपने साफ लिखा है, या आपने फिर उसमें काटा पीटी कर दी है, मिक्स कर दिया है, डायग्राम को थ्योरी में मिक्स कर दिया है, शब्दों को मिक्स कर दिया है। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे आ चुके हैं, अब आपको राइटिंग सुधारने में दिक्कत हो सकती है, आप नहीं सुधार सकते, तो आपको क्या करना है, उसको स्पेस दे देके थोड़ा सा लिखिए, ताकि आप वो जो है आपका जो पेपर है वो थोड़ा नीट दिखे, क्लीन दिखे। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी सी स्पेस दे देके उसमें लिखें। क्लीनलीनेस पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। राइटिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। और राइटिंग गंदी है तो आपको क्या करना है, क्लीन बनाना है अपनी कॉपी को, काटा पीटी नहीं करना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लिखना है। तो राइटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं और अगर आप सुधार सकते हैं अपनी राइटिंग, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप अपनी राइटिंग सुधार लें। तो ये रहे कुछ सजेशन, कुछ हमारी क्वेरी जो हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है सी प्रोग्रामिंग को लेकर। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपके दिमाग में और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए